Okay, so today we will start with relations and functions, right? सबसे पहले relations and functions अपने को समझना है, तो तुम लोगों को पहले ही बता दिया था, sets का knowledge बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, clear? तो अब सबसे पहले, जैसे कि तुम लोग बोल रहा था कि सर डोमेन रेंज वो सब चीज़ बहुत लेटर आने वाला है, सबसे पहले अपने को समझना क्या है, कार्टिशियन प्रोडक्ट. क्या कार्टिशियन प्रोडक्ट? किसी को आइडिया है कार्टिशियन प्रोडक्ट क्या है तो बोलो. एग्जैक्टली, दो सेट्स को मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं कार्टिशियन प्रोडक्ट. देख लो किस तरह, एक सेट ए है, ठीक है ना, इसका एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3. एक सेट बी है, इसका एलिमेंट्स है 4, 5 एंड 6. एज शी सेड, कार्टिशियन प्रोडक्ट क्या हो गया, ए क्रॉस बी. ए इंटू बी नहीं बोलते हैं, ए क्रॉस बी बोलते हैं जनरली, राइट? अब ये होगा क्या, अब तुम लोग सोचेगा 1 × 4, 1 × 5, 1 × 6 ऐसा कुछ चक्कर है क्या? ऐसा कोई चक्कर नहीं है. ध्यान से देखना क्या करना है. सर ये कार्टिशियन प्रोडक्ट आप समझा क्यों रहे हैं? सब बात एक एक करके कनेक्ट करेगा, पर जो बात समझा रहे जब उस बात को उस समय समझो, राइट? ध्यान से देखना, सेट खोला. सबसे पहले तो कार्टिशियन प्रोडक्ट खुद एक सेट है, और सेट किस में होता है, कर्ली ब्रैकेट्स में होता है. ये तुम लोगों को सेट वाला चैप्टर में बताया था, कर्ली ब्रैकेट्स में होता है. अब ध्यान से देखना कैसे होता है, इसको सॉल्व करने का तुम लोगों को तरीका बताता है. ए पहले है ना, यहां पे एक एलिप्स बनाओ 1, 2, 3. इसको बाद में हम लोग पढ़ेगा एरो डायग्राम बोल के, क्या एरो डायग्राम पढ़ के, लेकिन अभी क्योंकि कार्टिशियन प्रोडक्ट बनाना है तो तुम लोगों को केवल टेक्निक बता रहा है किस तरह से बनाने का है. 4, 5, 6 ये सेट ए है, ये सेट बी है. अब ध्यान से देखना कैसे बनेगा कार्टिशियन प्रोडक्ट. पहले 1 का 4 के साथ, क्लियर है? तो 1, 4 बोलो, समझा? तो फिर 1 को पकड़ के रखो जब तक 6 तक खत्म नहीं होता है. 1, 4 हो गया, 1, 5, 1, 6 1 का काम हो गया ना. अब 2 का 2, 4 2, 5 2, 6 ठीक, तो 3, 4 3, 5 3, 6 इसको बोलते हैं कार्टिशियन प्रोडक्ट. हाँ, तो देखो हम किया क्या, 1 को 4 से, फिर 1 को 5 से, फिर 1 को 6 से, फिर वापस से 2 को 4 से, 2 को 5 से, 2 को 6 से, वापस से 3 को 4 से, 3 को 5 से, 3 को 6 से. ये बहुत गेट पिच हो जा रहा है, पर तुम समझ गया ना कंसेप्ट, इसको बोलते हैं कार्टिशियन प्रोडक्ट. ये काम क्या होता है वो तुमको एक एक करके हम समझा देगा. ठीक है, ये हो गया कार्टिशियन प्रोडक्ट. अब ध्यान से सुनना है एक बात, कार्टिशियन प्रोडक्ट का हर मेंबर को, याद है सेट का हर मेंबर को अपने एलिमेंट बोलता था, हर मेंबर को एलिमेंट बोलता था, याद है? तो मतलब ये सेट ए है, इसके अंदर वैल्यूज है 1, 2, 3, तो हर ये जो हर मेंबर है ना इसका फैमिली में, इसको अपने एलिमेंट बोलते हैं. 1 इज द मेंबर 2 इज द मेंबर 3 इज द मेंबर और एलिमेंट. 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक इसी तरह ए क्रॉस बी भी तो एक सेट है, तो 1, 4 1, 5 1, 6 ये सब भी इसका एलिमेंट है. इंटरेस्टिंग बात कहां पे हो जाता है कि क्योंकि अपने लोग रिलेशन एंड फंक्शन कर रहा है ना, इस चीज को ये लोग पैर फॉर्म हो रहा है कि नहीं रहा है, हर कोई पैर है कि नहीं है, पैर है. इसको अपने ऑर्डर्ड पैर बोलता है. क्या बोलता है? ऑर्डर्ड पैर. ये जो एलिमेंट्स है ना, ये 1, 4 1, 5 1, 6 हम स्टार दे रहा है, इस हर 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 को सबको इनको अपने लोग बोलता है ऑर्डर्ड पैर. अब एक क्वेश्चन है मेरा, सर पैर क्यों बोल रहे हो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि दो दो का सेट बना, मतलब दो दो का एलिमेंट का फैमिली है, राइट? वो बात तो बराबर, लेकिन एक बात बताओ, आप ऑर्डर्ड वर्ड क्यों यूज किया है? कोई आंसर दो, ऑर्डर्ड वर्ड क्यों यूज किया वेदांत? थोड़ा सा और लॉजिकली सोच, ध्यान से देखो हम बता रहे हैं तुम लोग को, क्योंकि हर हर फर्स्ट एलिमेंट यहां पर पहले कौन है? ए. तो तुम देखो जितना भी ऑर्डर्ड, ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स है, समझ में आ रहा है? तो जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स बोलेगा तो रिलेट कर पा रहे हैं. तो हर ऑर्डर्ड पेयर में पहला मेंबर किसका है? किसका है? देखो ए का है, और फिर हर सेकंड मेंबर किसका है? बी का. बोलो बात समझा कि नहीं समझा?
हाँ सर बराबर। एक इंटरेस्टिंग बात और, ए क्रॉस बी या मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट्स, एज कीर्ति राइटली सेड, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर आ जाता है। हम लोग 2 × 3 क्या लिखता है, 6। 2 × 3 क्या लिखता है, 6। 3 × 2 भी तो 6 होता है, यस और नो, यस और नो। ठीक इसी कंसेप्ट से हम तुम लोग से पूछ रहे हैं जवाब देना, तुम लोग से पूछ रहे हैं जवाब देना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होगा क्या श्रेया? नहीं। अभी देखो, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। हाँ आंसर तुम लोग का सही आया कि नहीं होगा, लेकिन तुम लोग सब में कंफ्यूजन है, तुम लोग को कंफ्यूजन क्लियर करता है, एक कंसेप्ट समझाता है जिससे ये कंफ्यूजन हट ही जाएगा, वो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसको इस तरह से समझो, इसी सम को इस तरह से समझो, ठीक है। एक बात बताओ, ग्राफ प्लॉटिंग तो सबको आता है, तुम लोग क्या पहले प्लॉट करता है जब कोऑर्डिनेट्स लिखता है, एक्स कॉमा वाई लिखता है कि नहीं लिखता है, एक्स कॉमा वाई लिखता है, चलो ठीक है। 1, 4, 1, 2, 3, यहां पर सब में पहले क्या है, 1, 2 और 3, ठीक। तो हम एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3 प्लॉट करेगा, ठीक है, 1, 2, 3। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेगा, 4, 5, 6। अब एक बात बताना, अगर ये पॉइंट है, ध्यान से सुनना, अगर ये पॉइंट है तो इसको क्या हम 1, 4 नहीं बोल सकता, x, y बोल रहे हैं, राइट, x, y बोल रहे हैं, 1, 4, ठीक। इस पॉइंट को हम, अच्छा चलो ऐसे चलता है पहले, 1, 4, इस पॉइंट को अपने 1, 5 बोल सकता है, बार बार बोल रहे हैं, x, y के पैटर्न में बोल रहे हैं, है ना। तुम लोग एक चीज नोट करना, ये हो गया 1, 6, ठीक। इसी तरह 2, 4, 2, 5, 2, 6, ये समझने के लिए बता रहा है, बार बार बोल रहा है 3, 5 और 3, 6, समझ आया कि नहीं आया। अब तुम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, हम सारा कवर कर दिया, सारा ऑर्डर पेयर्स कवर कर दिया, ये रियल लाइफ में क्या है, कार्टिसियन प्रोडक्ट ही तो है, कार्टिसियन प्रोडक्ट ही है। अब मेरा क्वेश्चन देखो, हम तुम लोग को क्या पूछा था, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे से बराबर होता है? अब तुम लोग देखना एक चीज, चलो हम लोग बी क्रॉस ए करता है, क्योंकि ऑर्डर पेयर है तो अब हर एलिमेंट पहला किसका होगा, बी का होगा, ठीक तो कि गलत? पहले क्या लिखा, अब बी, तो पहले हर एलिमेंट किसका रहेगा, B का रहेगा। अब ध्यान से देखना, अगर B का पहला एलिमेंट रहेगा तो 4, 1, अब 4 को पकड़ लिया ना आपने, 4, 2, 4, 3, ठीक। इसी तरह अब 5 को पकड़ो, 5, 1, 5, 2, 5, 3, फिर 6, 1, 6, 2, 6, 3। अब तुम लोग मेरे को एक जवाब दो, अगर हम इस पॉइंट को प्लॉट करेगा तो क्या ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम है क्या, 1, 4 और 4, 1 सेम होता है क्या? नहीं। 1, 4, अगर 1, 4 का बात करें तो सर ये है, लेकिन अगर 4, 1 का बात करें तो यहां पर कहीं 4 प्लॉट करना रहता, यहां पर कहीं 4 प्लॉट करना रहता, और यहां पर कहीं 1 प्लॉट करना रहता, और वो होता 4, 1। तो क्या 1, 4 और 4, 1 सेम पॉइंट है क्या? नहीं, सेम पॉइंट्स तो नहीं है सर, बराबर बात, बोलो क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट है? चलो ठीक है, इस तरह से बनता है सेट। तो यानी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बोलो कोई डाउट है तो बोलो अभी भी, श्योर? तो एक बार इसको कॉपी कर लो फिर अभी, लेकिन एक चीज नोटिस करो, हम अभी भी कार्टिसियन प्रोडक्ट का किसी को डेफिनेशन बताया नहीं है, डेफिनेशन डिस्कवर करेगा रेदर देन कॉपिंग, है ना। एक बार इसको कॉपी करो फटाफट आप लोग,
ये डेफिनेशन ऊपर वाला तो कॉपी हो गया होगा, सॉरी हाँ वो कर लो अपने रेफरेंस के लिए। तुम लोगों को समझ में आ गया ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक बराबर बात नहीं है। अब अपने लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस या कुछ प्रॉपर्टीज पर जाएगा, कुछ ऑब्जर्वेशंस या कुछ प्रॉपर्टीज को अपने कवर करेगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल, दो सेट है, एक है ए 1, 2 और 3, एक सेट बी है जो ये है। इसका मतलब क्या होता है श्रेया? एम्प्टी सेट। अब तुम लोग मेरे को बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, बोलो। एम्प्टी होगा। एम्प्टी मतलब क्या? जीरो। मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? जीरो ही ना। तो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। क्लियर और नॉट? ये था पहला बात। दूसरा बात मेरे को बताओ, अगर ए 1, 2, 3 है और बी एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, मतलब एक इनफाइनाइट सेट है, तो ए 1, 2, 3 है और बी एक सेट है, लेट्स से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ए इंटू बी या फिर कार्टिसियन प्रोडक्ट ए इंटू बी का क्या नेचर रहेगा? इन्फिनिटी तक जाएगा ना ये भी? क्या इन्फिनिटी? तुम समझो ना, तुम वन को पकड़ा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 1 इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, समझ आया? तो वो लिखना पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज द पॉइंट। तो पहले तो इसके लिए लिखो इफ नंबर वन, ये मत लिखना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा। लिखो नंबर वन, इफ वन ऑफ द सेट्स इज एम्प्टी, इफ वन ऑफ द सेट्स इज एम्प्टी, then A cross B will also be an empty set. Then A cross B will also be an empty set, ठीक है ना? पहला बात। बात नंबर दो, पॉइंट नंबर दो, जो अभी बताया कि अगर एक सेट अगर इनफाइनाइट सेट है तो A cross B will also be an infinite set, ठीक। तो लिखो if one of the sets is infinite, then A cross B is also an infinite set. Next is set of ordered pairs. ये क्वेश्चन में आता है, छोटा मोटा क्वेश्चन में आता है, एक आध सम भी हम लोग इसके ऊपर करेंगे। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। इस पर ज्यादा मार्क्स नहीं, 2 या 3, मुश्किल से 3 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन सेट हो जाता है, तो प्लीज ध्यान रखना। ये क्या है बोल रहा है कि अगर x कॉमा y इक्वल टू 1, 2 तुमको दिया हुआ है, वो तभी है जब x 1 है और y 2। ऑर्डर समझ गया? तो इसका पहला इज इक्वल टू इसका पहला, इसका दूसरा इक्वल टू इसका दूसरा, बस यही केवल इतना सा मतलब है। लिख लो एक बार ये चीज को, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रहा है। सेट
सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल, ब्रैकेट में इक्वल लिख देना, अच्छा एक सेट है ए माइनस वन कॉमा वन, अपने को निकालना है ए क्रॉस ए, निकालना पॉसिबल है हाँ कि ना, निकालना पॉसिबल है तो कैसे निकालेगा देखते हैं। देखो क्या सीखा हम लोग, ए क्रॉस ए, अपना रेफरेंस के लिए अपना इजीनेस के लिए तुम चाहे तो एक बार और लिख सकते हैं, वन टू वन को रिलेट कर सकेगा और कुछ नहीं, तो माइनस वन पहला, एक को फिक्स करके दूसरा, समझ रहे हो, तो माइनस वन कॉमा माइनस वन, अब माइनस वन कॉमा वन, वन कॉमा माइनस वन और वन कॉमा वन, बोलो ठीक, तो ये केवल समझाया इसलिए है ना कि काफी बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये तो क्या डबलेट है, दो सिमिलर सेट्स है, ट्रिपलेट का भी आता है, ट्रिपलेट क्या जब दरकार पड़ेगा तो अपने आप ही हम समझाएगा तुम लोगों को, पर अभी जब डबलेट तक ही अपने को खुद को रिस्ट्रिक्टेड रखना है, एक बार ये कॉपी कर लो, ठीक है, तो क्वेश्चन If, क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल्स टू वन टू थ्री थ्री फोर और फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री, बी इक्वल्स टू थ्री फोर और सी इज इक्वल्स टू फोर फाइव सिक्स, अच्छा फाइंड नंबर वन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, नंबर टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, अब समझ में आ रहा है ना कैसे सेट से रिलेट होते जा रहा है, ये चीज सब सेट से रिलेट होते जा रहा है, अब ध्यान से सुनना, पहले तुम लोग को देखो ये क्रॉस वाला बात तो तुम लोग को आज समझाया, केवल समझना क्या इंटरसेक्शन का है, अगर किसी को नहीं भी मालूम है सिंपल सा बात है, आज यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है इंटरसेक्शन ना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, पहले तो अपने लोग ये वाला करने वाले हैं, तो सबसे पहले अदिति द राइट वे टू सॉल्व क्या है कि पहले अपने बी इंटरसेक्शन सी निकाले, तो हाँ तो B इंटरसेक्शन C क्या होगा, B इंटरसेक्शन C का मतलब होता है वो एलिमेंट, आंसर पूछेगा पर पहले समझाने दो, वो एलिमेंट जो सेट B और सेट C में कॉमन हो, यूनियन का मतलब होता है जो कॉमन है वो तो लिखा ही और बाकी B और C को पूरा का पूरा वैसे कॉपी कर दिया, बस जो दोनों में कॉमन है वो एक बार लिखा, ये होता है यूनियन का मतलब, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है विधान जो दोनों में कॉमन है, केवल उतना ही लिखना है, B इंटरसेक्शन C अदिति बता रही थी, B इंटरसेक्शन C 4 राइट, अब एक बार B इंटरसेक्शन C 4 तुमको पता चल गया है, तुमको क्या लगता है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बहुत मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं है, B इंटरसेक्शन C को तुम एक सेट की तरह ट्रीट करो, एक्चुअली ये सेट ही है ना A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, लेकिन क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है कार्टिसियन प्रोडक्ट है तो पहले अपने को A का एलिमेंट्स लिखना है राइट, तो ये वाला गलती प्लीज मत करना, तो यानी कि 1 4 2 4 3 4 एग्जैक्टली, इंटरेस्टिंग बात मालूम है क्या है, एक्चुअली जो हम अपना पूरा लेक्चर डिवाइडेड है ना, हम तुम लोगों को लेक्चर का डिवीजन दिखा रहे हैं, अपना जो पूरा लेक्चर डिवाइडेड है ना वो डिवाइडेड है सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सम्स करने में, सम्स मतलब इस तरह का सम्स जो भी कर रहा है जो उसका प्रॉपर्टी के संग एसोसिएटेड है, इंटरेस्टिंग बात है हम हेडिंग लिख के रखा है रिलेशन एंड फंक्शंस, पर रिलेशंस क्या होता है तुम लोग नोटिस किया होगा मूवी तक तुम लोगों को समझाया ही नहीं है, बिकॉज दिस इज द वे वी विल हैव टू लर्न दिस चैप्टर, कोई और तरीका नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने का, जैसे
पूरा रिलेशन एंड फंक्शंस या कार्टेशियन प्रोडक्ट किस पर डिपेंड कर रहा था? सेट्स का नॉलेज पर। वैसे ही रिलेशंस डिपेंड करता है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का नॉलेज पर। मजेदार बात यह है ना, जब हम तुम लोगों को बताएगा, अभी तो बता नहीं रहे, जब तुम लोग रिलेशंस पढ़ेगा ना तो तुम लोग पाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही रिलेशन होता है। मतलब जो रिलेशन अपने लोग निकालेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकालेंगे। खैर वो बात जब आएगा तब करेंगे, पर अगर तुम लोग के दिमाग में चल रहा है कि यार रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर है और अभी तक बता ही नहीं है रिलेशंस या फंक्शंस क्या है, तो गलत सोच रहे। दिस इज द राइट वे टू स्टडी। समझ में आ रहा ना? हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद अपने रिलेशंस और उसके बाद अपने लोग फंक्शंस पे जाएगा। रिलेशंस और उसके बाद फंक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया अपना ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब अपने लोग नेक्स्ट सम करता है ना, टाइम वेस्ट करने की जगह है। देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कृति एलिमेंट्स रेडी है ए क्रॉस बी का? बोलो। एक सेकेंड, 1 4 1 3 1 4 ओके, 2 3 ओके, ठीक है, 3 3 3 4 वेदांत ए क्रॉस बी अपने लोग कर लिया। अब अपने लोगों को क्या निकालने का दरकार? एग्जैक्टली ए क्रॉस सी। वेदांत बता पाएगा ए क्रॉस सी का एलिमेंट्स? वेदांत आंसर देगा ओके, एक सेकेंड वेदांत। हाँ, 1 4 1 5 ओके, 1 6 8 2 4 ओके, 2 5 ठीक है, 2 6 आगे, 3 4 3 5 श्रेया सही बोला क्या ये? ठीक है, अब अपना स्टेप क्या रहेगा वेदांशी? राइट, मेरे को एलिमेंट्स बताना वेदांशी, जस्ट अ मिनट। 1 4 अच्छा, 2 4 ठीक है, 3 4 मेरे को एक बात बताओ, 3 4 एक बात पूछ रहा है श्रेया, तुम जवाब देना। मान लो इधर 3 4 है, वो तो है ही, और इधर पे 4 3 होता, तो क्या वो दोनों इक्वल रहता क्या? तो अपने इंटरसेक्शन में लिखते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोगों को दिखाया था ना वो ग्राफ के थ्रू कि 3 4 और 4 3 एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स को रेफर कर रहा है, तो गलत है करना वैसे। ठीक, तो ये हो गया अपना सेकेंड पार्ट का खत्म। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कर लिया क्या सब? हम बार बार बोल रहे हैं कि सेट्स वेट्स ठीक से पढ़ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब ठीक से करना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक जगह भी गलती किया तो फिर वही बोलना पड़ेगा, आस्ते बोछर आबार हो गए। समझ में आया? आस्ते बोछर आबार हो गए मतलब समझा, तो मतलब फिर से एग्जाम देने बैठेगा नेक्स्ट ईयर क्लास 11 का। ठीक है कि नहीं? तो वो चीज़ नहीं करना है, तो अपने लोगों को वो जो राइट वे ऑफ स्टडी है उसी को फॉलो करना होगा। रिवाइज भी इसी तरीका से करना जब घर पे रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक्स बाई 3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल्स टू 5/3, 1/3 फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। करो करो, इक्वल पेयर्स है, याद आया? इक्वली ऑर्डर्ड पेयर्स, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये। ठीक, तो
क्या आया आंसर? और वाई वाई वन है, सही है। इधर देख लो सॉल्यूशन, एक्स बाई थ्री प्लस वन इक्वल्स टू फाइव बाई थ्री, तो एक्स बाई थ्री अपना हो गया। बहुत ही सिंपल सा, हमें दो दो नंबर का आता है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए करना जरूरी है। एक्स इक्वल टू टू और बस, ठीक इसी तरह वाई माइनस टू बाई थ्री इक्वल्स टू वन बाई थ्री, तो वाई इक्वल्स टू वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री। ठीक तो अच्छा, अब एक और बात बता रहा तुम लोगों को, कॉपी देना सबका। अच्छा, सेट ए दिया हुआ है अपने को, सेट ए में सर्टेन एलिमेंट दिया हुआ है। मान लो एलिमेंट्स है वन टू थ्री। सेट बी है जिसमें अपने को एलिमेंट दिया है फोर फाइव सिक्स सेवन। अपने को क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, दो में से एक चीज बोल सकता है, कार्टिसियन प्रोडक्ट या ए क्रॉस बी, मतलब तो सेम ही है, ए क्रॉस बी या कार्टिसियन प्रोडक्ट सेम है। अब तुम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ए क्रॉस बी फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इंसान क्या करेगा, नेचुरली वो पहले ए क्रॉस बी सॉल्व करना स्टार्ट करेगा और फिर नंबर गिनेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ऐसे करके करते रहेगा, वो गिनते रह जाएगा पूरा, दो नंबर का सम है। तो तुम समझना इसके लिए एक्चुअली एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला दिखाने के लिए ही ये क्वेश्चन तुम लोगों को बनाया, देख लेना ध्यान से। सोल्यूशन ये बोलता है, सोल्यूशन के साथ साथ पहले इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहा है कि तुम लोग वो नोट्स के लिए अपना ले सके, कि अगर एक सेट है ए जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तीन और एक सेट है बी जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है चार, तो जो एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में रहेगा दैट इज तीन इंटू चार, ट्वेल्व एलिमेंट्स। बोलो ये छोटा है कि वो जो तुम लोग करता वन टू थ्री फोर, वो ये छोटा है ना, ये दो नंबर का क्वेश्चन है तो इसी तरह से कमांड करना पड़ेगा। बोलो समझा, तो कॉपी भी कर लो और ये रूल भी याद रखना है ना। देखो किस तरह से लिखना है, देखो एक सेकेंड, अच्छा ठीक है कॉपी कर लिया है, जहां पर जगह है ना वहां पर साइड में लिख देना कि इफ एन ए, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज q, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज a क्रॉस b विल बी इक्वल टू p इनटू q। समझ आया, ये था पर्पस और ये था उसका सॉल्यूशन। ठीक तो ये कॉपी हो गया सबका, श्रेया ये वाला पार्ट कॉपीड, इसमें अपने को दो वेरिफिकेशन करना है। नंबर वन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी,
और वेरिफिकेशन नंबर दो, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ, ध्यान से देखना ये सबसेट है, हाँ सी और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सबसेट का साइन है, ठीक, तो सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। हाँ बोलना, सबसे पहले पार्ट वन करता है, जब भी वेरिफिकेशन का सम होता है तुम क्या करता है, एलएचएस लेता है फिर आरएचएस लेता है, राइट, तो अपने लोग एलएचएस लेके, एलएचएस लिया, अब एलएचएस में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, अब बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में वेदांशी पहले अपने को क्या लेना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी, एग्जैक्टली, तो बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फाई, अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है श्रेया, ए क्रॉस फाई इज इक्वल्स टू फाई, जीरो मत बोल, फाई बोल, क्योंकि अपने लोग सेट्स के टर्म्स, तेरा आंसर सही है, तेरा लॉजिक सही है कि सर जीरो, लेकिन अपने लोग सेट्स के दुनिया में है ना, तो द राइट वर्ड टू से इज एम्प्टी सेट फाई, कुछ भी, और आरएचएस पे देखते हैं, चलो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है, तो ए क्रॉस बी, सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, ए क्रॉस बी, तो वन कॉमा वन, एग्जैक्टली, ठीक, आगे ये हो गया ए क्रॉस बी, अब अपने को लिखना है ए क्रॉस सी, एग्जैक्टली, एक इंटरेस्टिंग बात बोले तुम लोगों, अगर वेरिफिकेशन दिया है ना, तो जनरली हम लोगों को भी मालूम है कि दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आने वाला नहीं है, अरे तभी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा, पर ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए करना है जो करना है, राइट, हाँ ए क्रॉस सी, देखो 1.5 वेदांत, कोई डाउट, अब ध्यान से देख, यहां पर कुछ भी कॉमन तुम लोगों को दिखाई पड़ रहा है नहीं ना, अदिति कोई डाउट, ओके, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू फाइव, है ना, तो बस देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक, तो ये कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा है, मतलब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम करे, क्या सबका हो गया क्या पार्ट वन, पार्ट टू में वेदांत तुम लीड करेगा, हाँ हाँ तो कर ले, पार्ट टू में हम देख रहे हैं ए क्रॉस सी सबसेट है क्या बी क्रॉस डी का पूछ रहा है, तो हम ए क्रॉस सी का सेट को हटाया नहीं है ना, वैसे का वैसे ही छोड़ रखा है, अच्छा ये सबसेट का क्या मतलब होता है, अगर डाउट है तो सबसेट का मतलब समझा देता है, पहले बात तो सबसेट मतलब खुद भी एक सेट ही है, कोई भी सेट किसी और सेट का सबसेट तब होता है, सिंपल में ए 1, 2, 3, 4 बी 2.3, तो बी ए का सबसेट तब होगा, फिर से बी ए का सबसेट तब होगा जब बी का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो, फिर से जब बी का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो, अब अगर बाय द वे यहां पर 5 होता तो फिर बी का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं होता, तो बी वुडंट हैव बीन अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन यहां पर अपने बोल सकता है कि b इज अ सबसेट ऑफ a, अगर क्वेश्चन है कि सर इक्वल हो सकता है क्या 1, 2, 3, 4, हाँ तब भी तो b का सारा एलिमेंट्स a का है, तो लेकिन उस केस में b सबसेट ऑफ a होता और a भी सबसेट ऑफ
बी होता है। तो बोलने का तरीका क्या है, अगर बी इज द सबसेट ऑफ ए लिख रहे हैं तो ऐसे, और अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी लिखते हैं तो ऐसे। हालांकि यहां पर ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, पर बता रहा है, ठीक है ना। इक्वल सेट्स, जब सेट्स में दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम रहता है ना, उस इक्वल सेट्स में होता है कि ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, राइट है, याद है। तो सेट्स में बताया था इक्वल सेट में ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। खैर यहां पर उसका काम नहीं है। वेदांत बी क्रॉस बी किया, हाँ 1.5 रुक जा और सबको वेरीफाई करो। हाँ बोल। 1.5 ओके, 1.7 1.8 2.5 2.6 2.7 2.8 3.5 3.6 3.7 3.8। बस समझ गया, समझ गया, तेरे को आता है, छोड़ दे। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताना, ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब आई मीन सबसेट है कि नहीं है, कैसे है बताओ। तो अदिति बताएगी, वन कॉमा फाइव 1.5 1.6 2.5 2.6 है ना। देयरफॉर अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख सकता, तुम ऐसे लिखेगा जब भी तुमको प्रूफ करना है ना कोई चीज किसी का सबसेट है, तब तुम लिखेगा सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, या सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी इज प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, है ना। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी इज प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी, ठीक है कि नहीं है, अपने बोल सकता है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, बोलो ठीक है। तो हाँ देखता है और सम्स, ठीक है, इसको आप लोग एक बार कॉपी करो।